अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आपको एक फ्रीलांसिंग या आपको एक फ्रीलांसर क्यों बनना चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। तो बेसिकली फ्रीलांसर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है यहाँ पे हमारे पास, फ्रीलांसर अपना मालिक खुद होता है, अपना बॉस खुद होता है, उसको किसी के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप काम इस स्टाइल से करते हो सिंपल कि एक बायर को एक काम करवाना है आपसे आपके स्किल सेट के मुताबिक। लेट्स सपोज आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आप डिफरेंट फ्लेयर्स और लोगोज बनाते हो। एक बायर आपके पास आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे लोगो बनाना है। आप उसे बताते हो कि मैं इस लोगो बनाने के लिए $100 चार्ज करूंगा। आपकी डील सेट हो जाती है, वो कहता है ओके आई विल पे यू $100 फॉर दिस स्पेसिफिक लोगो। तो अब उसका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आप ये घर में बैठ के कर रहे हो, बाहर बैठ के कर रहे हो, पार्क में बैठ के कर रहे हो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि आपके पास फ्रीडम है, आप जहाँ चाहे जो भी जगह है आपके पास वहाँ पे बैठ के अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अपनी स्किल्स को यूज़ करते हो काम कर सकते हो, और उसको सिर्फ और सिर्फ अपना काम चाहिए, राइट। आप एक जब टाइम फ्रेम डिसाइड करते हो, बायर कहता है मुझे 2 दिन में चाहिए, अब उसे लेना देना नहीं है। आप रात में काम कर रहे हो, दिन में काम कर रहे हो, दोपहर में काम कर रहे हो, जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम है आप उसके अंदर बैठ के काम करके एट द एंड उसे जस्ट अपना काम चाहिए और आपको पेमेंट चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी मिल जाती है एक पर्सन को, और उससे उसके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। फिर एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि आप लोग क्या करते हो, आप स्पेसिफिक एक कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर रहे जहां पे आपको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर स्टक है और आप उसी के अंदर दिन रात जा रहे और वहां पे बैठ के अपना काम कर रहे और वापस घर आ रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि आपने एक कंपनी एक्स वाई जी के साथ काम किया, उसको अपना प्रोजेक्ट दिया, जो कुछ भी उसने आपके साथ किया, जो भी आपको टास्क असाइन किया वो आपने करके दिया और उन्होंने आपको उसकी पेमेंट कर दी। और सिमिलरली आपने क्या किया कि आपने एबीसी कंपनी एक और कंपनी है उसके साथ काम कर लिया, एक्स वाई जी एक और इंडिविजुअल है उसके साथ काम कर लिया, जीएफ एक और पर्सन है उसके साथ आपने काम कर लिया। तो मतलब यहाँ पे आपको वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो है वो लोग मिल जाएंगे जिनको आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने स्पेसिफिक लोगों के साथ ही काम करना है, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर काम करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप की तबीयत नहीं है ठीक, तो आप बायर को कह सकते हैं कि मैं ये कल करूंगा या मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है आपको फ्रीलांसिंग के इस कैरियर के अंदर। आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक अपने टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं, अपने टास्क सेट कर सकते हैं, अपने डिज़ायर के लोगों और कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपको आए दिन नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। जब नए बायर्स के साथ आप रोज़ काम करोगे तो आपके पास रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी होगी अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। हो सकता है आपको एक ऐसा बायर एक दिन मिल जाए जो कि आपको एक इतना अच्छा पैकेज दे और इतनी अच्छी आपकी उसके साथ डील हो जाए कि आपके अगले 3-4 सालों का काम कंप्लीट हो जाए, मतलब आपको उन 3-4 सालों के लिए पेमेंट्स के इशू ही ना हो। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो जितना आप काम करोगे उतने ही आप पेमेंट्स लोगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात चाहे आपको काम है या नहीं है, आपने अपने ऑफिस के अंदर जाके बैठना है और महीने के एंड में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैलरी लेनी है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट मौके हैं कि आप अपनी सैलरी $300 भी कमा सकते हैं, $3,000 भी कमा सकते हैं और $30,000 भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स और डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, राइट। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा कौन है फ्रीलांसिंग का, वो ये है जिससे आपको अवेयर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आज आपने अगर $3,000 कमाए इस मंथ तो अगले महीने भी आप $3,000 या $4,000 भी कमाओ। हो सकता है अगले महीने आप $100 कमाओ, आपको कोई बायर ही ना मिले, आपको कोई बायर अप्रोच ही ना करे या कोई कॉन्ट्रैक्ट ही आपका ना हो, तो उस केस में आप बिल्कुल जीरो पे भी जा सकते हैं, राइट। और सम टाइम 3 महीने आपने $300 कमाए और 4th महीने आपने $4,000 एक ही महीने के अंदर कमा लिया। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये जो कौन है ये आपको है, इसका भी मैं हल आपको चल के बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको कि आपकी जो ये फ्रीलांसिंग इनकम है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए, कि आपको परेशानी ना हो कि अगर आपका एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल नीचे चला गया तो अब आप क्या करोगे, बैठे तो नहीं रहोगे। तो उन सारी चीज़ों का हल भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको फ्रीलांसिंग क्यों चूज़ करनी चाहिए। मेरे लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो मैं भी ऑब्वियसली बात है हर बंदे के लिए फ्लेक्सिबल है, तो मैं भी यही सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए भी आपकी टाइम और जो प्लेस है वो फ्लेक्सिबल होना कितनी बड़ी नेमत है, और आपके पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अपॉर्चुनिटीज आए दिन नहीं है।
तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।